पीएम मोदी ने मंदिर में करीब आधे घंटे तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी जब बाहर आए तब उन्होंने वहां के पुजारियों ने विशेष स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। उन्हें केदारनाथ मंदिर की लकड़ी की बनी एक छोटी सी प्राकृतिक के अलावा एक तस्वीर और एक पटका दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ मंदिर के आसपास एकत्र लोगों के करीब जाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए केदारनाथ में खास तैयारियां की गई थी। पीएम के लिए मंदिर के पास खास हेलीपैड बनाया गया था और सुरक्षा के लिहाज से मंदिर के नजदीक ही सेफ रूम बनाया गया था। पीएम यहां से निकलने के बाद हरिद्वार स्थित पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने यहां कहा कि हमें खुद को स्वच्छ रखना होगा। लोगों को वेलनेस चाहिए और इसलिए सॉल्यूशन भी होलिस्टिक देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है और सस्ते से सस्ता रास्ता है वो है स्वच्छता। और स्वच्छता में कौन क्या करता है वो बात पे छोड़े, हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें।